बिग ब्रेकिंग को स्वागत करुच्ची मु निहारिका। वर्तमान सबुठ बड़ खबर, प्रधानमंत्री सिक्युरिटी रे चरम अवहेला, सुरक्षा रे चरम अवहेला होईची। पंजाब गस्तरे जेतेबेला जाईथिले प्रधानमंत्री आजी मर्तन भटिंडार विमान बंदर ठारु जेतेबेला जाउथिले प्रधानमंत्री फ्लाईओवर उपरे तांकर गाड़ी को अटका जाईथिला, तेणु ता पछरे 20 मिनिट पई गाड़ी अटका जाईथिला। जेमते कि कह जाउची प्रधानमंत्री का ऑफिशियल कारकेट जेतेबेला अटके रहीथिला सेतेबेला सुरक्षा व्यवस्था को तनाघना करा जाईथिला। तापर खबर पहुंचीथिला जे कोनोसी प्रकार सिक्युरिटी ब्रीच हेची बा सुरक्षा रे अवहेला घटीची, जोते पई कि प्रधानमंत्री का गाड़ी बा प्रधानमंत्री का ऑफिशियल कारकेट आग को जाई पार नथिला। पर मुहूर्त में प्रधानमंत्री विमान बंदर को फेरी आसते, जमीक आम जाचे जे फिरोजपुर बहुत बड़ा उद्घाटनी समारोह उत्सव कार्यक्रम थिला और सेठारे बहुत कोटि कोटि टंकार प्रकल्प जो तार उद्घाटनी समारोह पर शिलान्यास प्रधानमंत्री जाते, किंतु फ्लाईओवर उपर प्रधानमंत्री का गाड़ी प्रधानमंत्री का कारकेट कौन पर अटकी कौन चरम अवहेला घटीला से ने निश्चिंत भाव में वर्तमान आनालीसीस चली। वर्तमान जपरी कह पंजाब रे प्रधानमंत्री पहुंचा पर कौन होता कौन सिक्युरिटी रे त्रुटि घटी सबुठ बड़ कथा हूँ प्रधानमंत्री पहुंचा पर बर्तमान जिते प्रधानमंत्री प्रकल्प उद्घाटन करते फेरी से राज्य कांग्रेस कौन एत भाव में खुशी मनाहीला और कौन पर खुशी होते कांग्रेस कर्मी मैंने जदि एक आसूँ निश्चय भाव में कह सब पछरे प्रकृत में कौन सी अवहेला होई प्रकृत में आ पछरे कौन सी षड्यंत्र अच्छी कहीपर जपरिक आम जाचे जे वर्तमान पंजाब रे विधानसभा निर्वाचन आग को हेबार थिला, जेपरिक अलरेडी समस्ते जानी कौन प्रकार कांग्रेस परिस्थिति सेठी आपरी अवस्था जेपरी एत बड़ प्रकल्प उद्घाटन करने को जो प्रधानमंत्री जाते बड़े सुरक्षा व्यवस्था एपरी अवहेला कौन पर राज्य सरकार तरफ है जेपर कि मुख्यमंत्री चन्नी निश्चय भाव में अभियोग आसूर प्रधानमंत्री सिक्युरिटी को लेकिन कौ प्रकार व्यवस्था कराइला और व्यवस्था त्रुटि कौटि रहा तो सबुठ बड़ कथा हो जिनस सिक्युरिटी रे ब्रिज हो पचरे कौन सी बड़ षड्यंत्र रोचे कारण निश्चिंत भाव में प्रधानमंत्री जेकोसी आप जदि कहते जेको गस्त भिजिट्रे प्रधानमंत्री जहाँ भी जाऊँगी कौन सी एक राज्य होकोसी राज्य हो पूरा देश प्रधानमंत्री जहाँ भी उद्घाटन करुँच पूरा देशर विकास उद्घाटन करपरि भाव में पंजाब में जो प्रकल्प उद्घाटन करने को प्रधानमंत्री जाते सीटा केवल राज्य नुहे पूरा पूरा कम्प्लीट भाव में भारत देशर विकास भाव में भाविकी से उद्घाटन जाते किंतु जितेबले कारकेट अटकी गला सिक्युरिटी ब्रिज हो सुरक्षा त्रुटि घटी से राज्य सरकार कौन करुले राज्य सरकार तरफ पूर्वर कौन सी व्यवस्था कहीं न थिला निश्चिंत भाव में बीजेपी तरफ विरोधी तरफ राज्यर राज्य सरकार का ऊपर निश्चय भाव में अभियोग पछरे जेतेबले कि निर्वाचन आग को अच्छे ए पछरे प्रकल्प उद्घाटन को नहीं कौन पाई के ए प्रकार मझेरे ऑब्स्ट्रक्शन कौन पाई करा गला निश्चय भाव में प्रश्न उठू तेबे ए प्रकार जेतेबले प्रधानमंत्री निजे फेरी आसिले विमान बंदर को सेठारे प्रधानमंत्री कहिछंती जे मु एपरी जीवित भाव में फेरी आसिले सेथिपई मुख्यमंत्री को धन्यवाद। तेणु प्रधानमंत्री एपरी स्टेटमेंट आम कौन कह प्रधानमंत्री निजे कहते से जीवित फेरी आसी पंजाब रो मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री धन्यवाद दौंट निश्चिंत भाव ए पछरे कहीपर जे मुख्यमंत्री तरफ निश्चिंत भाव में बहुत बड़ा त्रुटि करा जाए सुरक्षा को लेकिन जेपरिक प्रधानमंत्री जदि प्रकृत में गस्त को आग को बढ़ई था निश्चित भाव में कहीपर कौन सीना कौन सी बहुत बड़ सिक्युरिटी लैप्स होबार चांसेस थिला तो ए सब पछर ए सब पर कांग्रेस जे कि सेठिकार राज्य सरकार अच्छी से मैंने ये खुशी हे पचर कौन अर्थ थे कौन थे पचर षड्र कौन पर प्रधानमंत्री गस्त को यहपरी भाव में मझीरे बंद कर दिगला कौन पर सिक्युरीटी लैप्स है एक नहीं कि निश्चिंत भाव में बीजेपी तरफ प्रश्न उठी जपरिक आप जानते आ पूर्वर केवल पंजाब कथा नुहे पूर्व उत्तर प्रदेश कथा कहतु अन्य राज्य कथा कहतु प्रतिदिन प्रधानमंत्री कंप्लीट भाव में कहीपर अनस्टॉपेबल भाव में
प्रतिदिन प्रकल्पर उद्घाटन करुछंती निश्चिंत भाबरे पूरा राज्य केवल गोटे राज्य नय पूरा देशर उन्नति घटू विकास घटू एटा रहुछि प्रधानमंत्री मनरे से प्रधानमंत्री पंजाब रे भी जेकोसी जगह जेपर कि आम जितेबाला पंजाब गस्त विषय कहवाक गले पंजाब आज विशेष भाव में कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने अनेक प्रकल्प उद्घाटन करने को प्रधानमंत्री जाते किंतु वर्तमान समय प्रधानमंत्री उद्घाटन समारोह को मझे बंद कर पचर कौन रही पारे कौ प्रकार षड़यंत्र रही पारे तो एथिरे राज्य सरकार कौन मत अच्छी कौन तर भावना अच्छी आपको नहीं निश्चिंत भाव प्रश्न उठी सबुठ बड़ कथा हो जे ए पचर जदि किसी षड़यंत्र अच्छी प्रधानमंत्री देशर प्रधानमंत्री उपरि सुरक्षा व्यवस्था को एत कम करके कौन सी प्रकार आटाक हो ए प्रकार इच्छा प्रकाश जदि कौन राज्य सरकार करश्चिंत भाव में यह प्रश्न उठी सबुठ बड़ कथा हो प्रधानमंत्री जो प्रकल्प उद्घाटन जाते सेटा निश्चिंत भाव में पंजाब पर पूरा राज्यपी बहुत बड़ उन्नति विकास रास्ता खोजी था किंतु प्रधानमंत्री को मझी रास्त सिक्योरिटी लैब्स पाई प्रधानमंत्री को फेर पड़ी और जपरी स्टेट प्रधानमंत्री जपरिक स्टेटमेंट आसी विमान बंदर पाखे जे मुझे फेरी आसी तो फेरी आसी से मुझे जीवित फेरी आसीपाई प्रधानमंत्री धन्यवाद जन चेन्नई सरकार को पंजाब मुख्यमंत्री को तो आ पचर निश्चिंत भाव एक कहीपर जे प्रधानमंत्री निजे बुझी पारी जे ए सब पचर कौन षड़यंत्र रही कौन सी निश्चिंत भाव राज्य सरकार मनोभाव रोची जे प्रधानमंत्री पंजाब राज्य विकास पे किसी न करूँ बा सबुठ बड़ कथा हूँ देशर प्रधानमंत्री समस्त प्रधानमंत्री केवल केवल गोटी केवल निश्चित भाव तो एने आम देखा कि प्रतिक्रिया जमती कि प्रधानमंत्री सिक्यूरीटी ब्रिज होगी नहीं कि विभिन्न प्रकार प्रतिक्रिया चलन जो मेरे को जानकारी प्राप्त हुई है पीएम बठिंडा एयरपोर्ट पर आए और मौसम की खराबी के कारण बाई रोड उन्होंने शहीदों की समाधि पर पुष्पांजलि करने के लिए सड़क मार्ग को चुना लेकिन पंजाब सरकार ने बीच रास्ते में ही हाथ खड़े कर दिए कि हम सुरक्षा नहीं दे सकते तो पीएम वापस गए हैं। इसी से पता चलता है कि पंजाब में सामान्य व्यक्ति जो है आम नागरिक जो है जो लगातार बोलता रहता है कि जहां सुरक्षा नाम की चीज नहीं है जहां कानून का राज नहीं है वो हमारी बात सच हुई और ऐसी सरकार को एक भी पल सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। चेन्नई में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उनको रिजाइन करना चाहिए और आज जो सरकार प्रायोजित जगह जगह पर बीजेपी की बसों को रोका गया बीजेपी की बसों पर पथराव हुआ बसों से भोजन लूटा गया और बसों के शीशे तोड़े गए पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हुआ आज एक रैली नहीं थी पंजाब में हर जगह रैली हुई है जहां जहां हम लोगों को रोका गया ये सरकार के लिए आखिरी कील साबित होगा। निश्चिंत भाव जमी आम देखुले पंजाब रो बीजेपी अध्यक्ष शुणुले कथा जे से कौन प्रतिक्रिया देमती कौन जमापड़ी जे प्रधानमंत्री गस्त पूर्व सतरे जपरी कौन एक षड़यंत्र कौन गोटे सुचिंतित भाव प्लान कर प्रधानमंत्री प्रकल्प को उद्घाटन समारोह को कौन से व्यतिक्रम सृष्टि ऑब्स्ट्रक्शन सृष्टि कारण अलरेडी जितेबले कहु प्रधानमंत्री गस्त पर पूर्व पंजाबवासी माने बहुत उत्साह देखते आम पाक बारंबार विजुअल्स आसी पंजाबवासी के खुशी थे जे प्रधानमंत्री आसुचंती आ विभिन्न प्रकल्प उद्घाटन हम वर्तमान समय प्रधानमंत्री बहुत दिन पर जिते पंजाब गस्त करुचंती तो लोक मान भितर एक उत्साह था पंजाबवासी फिरोजपुर ठारे समस्ते अपेक्षा करते जितेबले एत कोटी टंकार प्रकल्प उद्घाटन हम जपरी कहुला चंडीगढ़ ठार लखनऊ को जमती कनेक्टिविटी कथा मुझे जे विभिन्न प्रकार बहुत बड़ कनेक्टिविटी कि पंजाब को जमती सुविधा हम से भाव में अनेक किसी हाइवे प्रकल्प शिलान्यास कर प्रधानमंत्री सेपरी अवस्था जे प्रधानमंत्री आसवा पूर्व जपरी कहला कोटी टंकार प्रकल्प उद्घाटन हम से समय भितर कौन राज्य सरकार तरफ जितेबाला एनफ टाइम थी
जे से निश्चिंत भाव में सिक्यूरीटी को लेकिन प्रधानमंत्री सिक्यूरीटी नहींकि सीरीयसली नहीं था निश्चिंत भाव में तेणु एपरी किपर है तेज एने पुणी आउ किसी प्रतिक्रिया आसूची निश्चित भाव में पंजाब के अंदर जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी की रैली के अंदर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, बहुत बड़ी सेंध लगी, ये कोई अचानक नहीं हुआ। मैं बार बार कहता रहा और मैं फिर आज कहने जा रहा हूं, कांग्रेस एक डिजाइंड कॉन्स्पिरेसी के तरीके से, एक डिजाइंड मॉडल के तरीके से हमें पूरी दुनिया में बदनाम करती आई और करना चाहती है। 1980 के दशक में भी इसी तरह कांग्रेस ने किया था, हमें पहले कॉन्फ्लिक्ट में दिखाया, हमें लड़ाया और फिर हमें पूरी दुनिया के अंदर आतंकवादी अलगाववादी बनाकर हमें मारने का काम किया। यह वो चीज है जो पाकिस्तान और आईएसआई चाहती है कि हमारी कॉन्फ्लिक्ट हो। मैं हैरान हूं और इस बात को लेकर चिंतित हूं कि जो आईएसआई और पाकिस्तान चाहता है वही कांग्रेस की सरकार पंजाब की चाह रही है और देश की कांग्रेस की पार्टी चाह रही है। क्या देश के प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री हैं? मैं अपने किसान भाइयों से भी, मैं अपने पंजाबियों से भी हाथ जोड़कर यह आग्रह करता हूं, जरा सोचो हमें किस तरफ ले जाया जा रहा है और किस तरह से हमें बदनाम किया जा रहा है। आज की ये जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है इसको कांग्रेस ने इनिशिएट कराया है, कांग्रेस ने फैसिलिटेट किया है और यही कारण बना कि लोगों को सड़कों पर लाया गया ताकि नुकसान पहुंचाया जा सके। मैं तो धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने अपनी दूरंदेशी देखी। और आज मैं जरूर पंजाब के लोगों को फिर से आग्रह करना चाहता हूं, ये जिस तरह से आपको आग में धकेला जा रहा है, जिस तरह से आपको कॉन्फ्लिक्ट में डाला जा रहा है, केवल कांग्रेस की एक ही मंशा है, फिर से पंजाबियों को, सिखों को 1980 के दशक में लाकर उसी तरह लड़ाया जाए, भिड़ाया जाए और उनका नुकसान किया जाए। सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक गिर सकती है, अगर सत्ता हासिल करने की आईएसआई और पाकिस्तान की सोच के साथ कांग्रेस काम कर सकती है तो आप सोच सकते हैं कि कितनी खतरनाक कांग्रेस है आज हम सबके लिए। मैं समझता हूं और जहां तक मैं ये सब क्लिपिंग्स वगैरह टीवी में वगैरह देख रहा हूं तो मुझे लगता है एक कॉन्स्पिरेसी है, एक कॉन्स्पिरेसी हैच्ड बाय द कांग्रेस पार्टी एट द नेशनल लेवल विथ फुल नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। बिना इन्फॉर्मेशन स्टेट पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री का एक इंच मूवमेंट नहीं होता है और उसके लिए एक बड़ी व्यवस्था है, स्पेशली एसपीजी प्रोटेक्टिव जो रहता है उनके लिए पक्का एक व्यवस्था रहता है, इसको ब्लू बुक कहला जाता है। निश्चित भाव में जमी आम प्रतिक्रिया देखुले प्रधानमंत्री एपरी जितेबाड़ मझे अबस्ट्रक्शन जो टाइप रही सिक्यूरीटी ब्रिज होगापर प्रधानमंत्री फेरी आस बारंबार प्रतिक्रिया आसमती कम्प्लीट भाव में बर्तन प्रमाणित हो सारा राज्य कंग्रेस निश्चय या पचर हाथ अच्छी जमीक षड़ कथ जदि कह निश्चित भाव में यहाँ आज कथ नुहे कंग्रेस यहाँ मनोकामना रही आसा सब रही आस 1980 कथ जमी कहते मनिंदर सिंह बीजेपी नेता जे आगर यह प्रकार परिस्थिति सृष्टि कांग्रेस रो निश्चिंत भाव में पूर्व ए प्रकार सब बेले ए गुण रही जिनसटा रही आज कौन ना कौन स्तर में लोकों मध्य निश्चिंत भाव में कौन प्रकार एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करवा जमीक प्रधानमंत्री केवल गोटे राज्य गोटे आम समस्त प्रधानमंत्री इवन विरोधी मान प्रधानमंत्री पूरा देशर प्रधानमंत्री तो प्रकार जो आज सिक्यूरीटी ब्रिज है सुरक्षा सुरक्षा को नहीं जिते बर्तमान बहुत बड़ा प्रश्न उठी एने निश्चिंत भाव में पूरा देश में प्रतिक्रिया सृष्टि तेज एने निश्चित भाव में कथ हमारा सहयोगी अच्छा दिल्ली में गगन विश्वाल। गगन कौन कहे जमीक प्रधानमंत्री आज जो पंजाब गस्तर बर्तन ए प्रकार जो डिस्टर्बेंस क्रिएट है ए प्रकार जो स्थिति सुरक्षा उपरे जो स्थिति सृष्टि एको नहीं आप कौन कहे देखो निहारिका निश्चित भाव या सब दल केवल नुहे अनेक लोक बोधे साधारण लोक या बहुत निंदा करछन्ती कहीं देखिए भारत बर्षर जे प्रधानमंत्री रही से कौन दल रुहति से भारत प्रधानमंत्री हिसाब से रिप्रेजेंट करती भारत को तो निश्चित भाव में जिते देशर प्रधानमंत्री सुरक्षा त्रुटि देखा मिली तेणु से साधारण लोक केबे भी निजक सुरक्षा बनवेनि बर्तन जो कंडीशन एवं जो स्थित रे प्रधानमंत्री सेठारु बैक कले बैक कलापर देखिए प्रधानमंत्री जो ट्वीट बासी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट देखी भतिंडा एयरपोर्ट सीधा सड़क से कहले निश्चित भाव आपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं भतिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया तेणु ये गोटे कठिन वार्ड हो पारे निश्चित भाव
किंतु ये केते गंभीर रही ये शब्द रे एवं केते दुख तांको मन रे बहुत बड़ा गंभीर स्थिति बोली कहि परबा ते प्रधानमंत्री जेते बेले कि तांको गस्त रे ए प्रकार डिस्टर्बेंस क्रिएट हेची तांका सुरक्षा उपरे प्रश्न उठि छै बहुत बड़ा प्रश्न कहबा को गले ब्रेक ब्रेकिंग को एठी रखिबा नमस्कार।